वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए हम अपने पसंद की सारी सब्जियां ले लेंगे, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज, थोड़ा सा लहसुन, और उसमें डालेंगे हम एक आलू। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आलू डालकर हम अच्छे से मैश कर लेंगे, खूब अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें मैं साबूदाना डालेंगे। साबूदाने को हमने रात भर भिगोया है और सुबह उसे छान कर इस्तेमाल में किया है। रात भर में ये फूल जाता है, और इसमें थोड़ा सा नमक, हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, इसमें पुदीना, ड्राई पुदीना और भुना जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, सबको डालकर हम अच्छे से मैश करेंगे। खूब अच्छे से मैश करेंगे। थोड़ा सा हम देर तक मैश करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ देगा। जैसे ही ये पानी छोड़ता है तो इसमें एक ब्रेड का टुकड़ा को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर उसको भी मिक्स कर देंगे। ब्रेड हमारा सारा पानी पी जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तलने के लिए हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपकी सब्जियां ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं तो आप इसमें दो स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली ये डाल दीजिए। मसाले भी अपने हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जो भी आपको पसंद है वही डालेंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये हमारा इकट्ठा होना शुरू कर देगा, हम इसके अपने कटलेट्स की शेप दे लेंगे। इनको लंबे लंबे गोल आकार दे लीजिए और इनको शेप दे लीजिए। अगर आकार ना है तो हम पानी का हाथ लगाकर फिर आकार दे सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए, या तो सरसों का ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। गर्म करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल तेज उबलता हुआ तेल कर लें, वरना बाहर की परत सिक जाएगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गर्म मतलब ना तेज होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी सिक जाए। डालते ही कलछी नहीं लगानी चाहिए, कलछी लगाने से टूट जाते हैं। थोड़ा सिकने के बाद हम इसे अलट पलट देंगे। पलट कर इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, ये अंदर तक सिक जाएंगे। गैस तेज ना रखें, मीडियम लो पर रखें। इनको अलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए। इनको बहुत अच्छे से सेक लेंगे। जब सिकने पर आ जाए तो हल्का सा सिम गैस करके सेकेंगे। फिर इनको हम गोल्डन ब्राउन होते ही एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम इनको टिफिन में रख लेते हैं। मैं टिफिन में टिश्यू लगाकर थोड़ा सा ठंडा होने पर इनको रख रही हूँ। टिश्यू को फोल्ड कर और इस पे एक कैचअप रख के अच्छे से टिफिन बड़े या बच्चा कोई भी ले जा सकता है। इसी तरह घर में खाने के लिए प्लेट पे रखेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और हरी चटनी लगाकर इसका स्वाद लेंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इस बहाने बहुत सारी सब्जियां हम खा पाते हैं।